उत्तर प्रदेश जनपद बलिया में राजकुमारी देवी उर्फ पत्नी छठू वर्मा ग्राम सभा विशनपुरा के रहने वाले बताया कि है विगत कई वर्षों से अधिकारियों के न्याय के चक्कर लगा रहे हैं परंतु अभी तक कोई न्याय नहीं मिला है, इसलिए आज हम डीएम कार्यालय पर पत्र देने के लिए आए हैं परंतु मत्र मेरा नहीं लिया गया, इसलिए मेल आईडी के माध्यम से और रजिस्ट्री के माध्यम से जिलाधिकारी को पत्र भेजकर आत्मदाह करने के लिए चेतावनी दी है। पीड़ित ने बताया कि दबंगों ने मेरी फसल काट ले रहे हैं, कई बार फसल काट भी चुके हैं परंतु अभी तक कोई न्याय नहीं मिल रहा है। हम न्याय के लिए जिलाधिकारी कार्यालय पर हैं और हमें न्याय नहीं मिला तो 20 तारीख 2023 को आत्मदाह करेंगे। जिला अधिकारी बलिया के सामने। मैं ग्राम विशनपुरा थाना मनियार तहसीलदार के जिला बलिया का रहने वाला हूँ। क्या मामला? मेरा जमीन का मामला, मैं हथौड़ी थाना खेजुरी तहसील सिकंदरपुर जिला बलिया में एक जमीन लिया हूँ और जमीन जब से लिया तब से विक्रेता जो है हमको कब्जा दखल करा दिया। उसके बाद जो उसका भाई एक झूठी आपत्ति दाखिल कर दिया, हमारा टर्मिन भी हुआ था और हमें जो है रजिस्ट्रार महोदय बोले कि अभी कंप्यूटर खराब है, आपसे थोड़ा दिन के बाद जो है चढ़ जाएगा कापी में और आप इंतखाब निकाल लीजिएगा। मैं बाहर चला गया, आया गया वहाँ देखा तो मेरा फाइल में से टर्मिन का कापी गायब है। उसके बाद हर साल मैं जमीन जोतता हूँ, बोता हूँ, छुट्टी में आता हूँ तो, और जो विक्रेता के भाई काफी दबंग है, उनका नाम है सुखेन राय, पिता का नाम पंचानंद राय, साकेम हथौड़ी थाना खेजुरी के है, वो अपने निजी कम टाइम से हमारी बोई हुई गेहूँ का फसल को रातों रात काट ले जा रहे हैं। उसके फसल के अपनी मुआवजा के लिए मैं SDM महोदय सिकंदरपुर थाना खेजुरी, जिलाधिकारी महोदय बलिया, SP महोदय बलिया, सैकड़ों बार मैं चक्कर लगाया जिसकी वजह से मैं इतना छुट्टी ले लिया कि हमारी जो प्राइवेट संस्था में नौकरी थी वो भी चली गई। फिर उस भूमि को भार मुक्त कराने के लिए मैं कर्ज लिया, लाखों रुपया का लोन अदा किया। अब जब मैं अपने जमीन पर जोतने गए तो विक्रेता के भाई, उसके भतीजे और गांव के दो तीन दबंग लोग लाठी लेकर के हमको और हमारी पत्नी को लखेद लिए। हम लोग थाने पर गए तो थाना अध्यक्ष बोलते हैं कि SDM साहब के पास जाओ। तहसील दिवस पर फिर एप्लीकेशन लिया तो SDM साहब बोलते हैं कि थाने पर जाओ। इसीलिए हम लोग जिलाधिकारी महोदय के पास आए हैं, यहाँ ये पेपर दे रहे हैं तो नहीं दे रहे हैं, तो ऐसे भी सर हम लोग मर रहे हैं कर्ज से भूखे। इसके लिए हम लोग सोचा जिलाधिकारी महोदय के कार्यालय के सामने अगर हमारा समस्या का समाधान नहीं होता है तो 20/11/2023 सुबह 10 बजे आत्मदाह कर ले अपने पूरे परिवार के साथ। कितने वर्षों से आप लगे? 5 साल से। 5 साल से किन किन अधिकारियों को आपने आवेदन दिया है? मैं थाने पर थानाध्यक्ष को, उप जिलाधिकारी को, तहसीलदार को, CO साहब को, SP साहब को और जिलाधिकारी महोदय को भी। किसी भी उच्च अधिकारी को आपने कह दिया है? नहीं, इसके उच्च अधिकारी के सामने आओ, उसके ऊपर नहीं, मुख्यमंत्री को मैंने नहीं दिया है। तो जिले का स्तर पर आपने? जिले के स्तर पर मैंने पूरा दिया है, कार्रवाई नहीं हो रहा है सर। लेटर अभी तक डाले होंगे? कम से कम सैकड़ों, जिसका भी 10-12 का आपको सामने साक्ष्य दिखा रहा हूँ। सभी SDM साहब के हैं, आपने आए हैं, मिले क्या उनसे? नहीं, होगा स्टेनो जो है पेपर लेने से इनकार कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? कह रहे हैं कि हम नहीं लेंगे, आप थाने पर जाइए, थाने पर बोलिए या सिपाही के ऊपर इस तरह से कीजिए। हम बोला हमारे पास उतना पैसा नहीं है, 4-4 बच्चे हैं, उनको पढ़ाई लिखाएं कि खाली मुकदमा करें। और जब भी मैं जाता हूँ जमीन पर तो सीधे मेरी जान से मारने की धमकी मिलती है। और नहीं तो काफी जमीन है, जमीन 3.5 बीघा जमीन है सर। कहाँ पर ये बीघा? हथौज में। हथौज थाना कौन पड़ता है? खेजुरी। अभी बोल रहे हैं कि जमीन हमको लिख दो। कौन कह रहा था? विक्रेता का भाई सुखेन रहा है, सिर ये साई के सामने थाना खेजुरी को बैठे थे, वहाँ ईसाई के सामने बोला है कि जमीन रजिस्ट्री हमको कर दो, क्योंकि अपने गांव को राजनीति के आदमी भी लेकर के गए थे साथ में। इसके लिए सर हम हर स्तर पे लगातार बो रहे हैं, वो काट ले रहे हैं फसल। थाना अध्यक्ष बोलते हैं कि मैं 4 बार मेरा फसल काट ले गए। हाँ, जमीन जो है वो खड्डी की जमीन है, सिर्फ वहाँ पर गेहूँ का फसल होता है, एक फसली जमीन है। अब DM साहब को इसके बाद मैं 4 बार दिया हूँ सर, ईमेल से और रजिस्ट्री से उनको दिया हूँ। जब मेरा पेपर स्वीकार नहीं किया गया तो